हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा स्टाइल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे एक कॉफी प्लस बेसन पील ऑफ मास्क शेयर करने वाली हूँ, जिसको हम बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं अपने घर पर। मैंने यहाँ पर नेस्कैफे की एक कॉफी रखी है, जो कि 10 रुपए में इजिली आपको मिल जाएगी। एंड करेंटली अभी आप देख सकते हो मेरा फेस पूरा क्लियर है, बस जस्ट मैंने टोनिंग की है अपने फेस की, क्योंकि कोई भी फेस पील ऑफ मास्क लगाने के पहले या फिर कोई भी फेस मास्क लगाने से पहले अगर आप टोनिंग कर लोगे तो ये आपके लिए और बेनिफिशियल हो जाती है। 10 रुपए की नेस्कैफे क्लासिक वर्जन आती है एंड ये 100% कॉफी बीन की पाउडर होती है, जो कि मेरे को बहुत सही लगती है। विंटर्स में तो आप इसको जरूर से इनहेल भी किया करो और अपने फेस पर भी लगाया करो, लेकिन जिनको कॉफी सूट नहीं करती है वो कॉफी वाला ना यूज करे। वो कोई भी पील ऑफ मास्क ले सकते हैं, उसमें जस्ट थोड़ा सा बेसन या फिर मुल्तानी मिट्टी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कॉफी हमारे फेस को एक इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करती है। इसमें होता है कैफीन, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत सही होता है। कैफीन हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, मान सकती हूँ, लेकिन कैफीन जो हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, ये आपको एजिंग से बचाता है। जिनको भी एजिंग की प्रॉब्लम है, 30 to 35 ईयर्स में एजिंग वगैरह की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो जिनको भी एजिंग की प्रॉब्लम है ये पील ऑफ मास्क ट्राई कर सकते हैं। एंड मैंने इसको प्रिपेयर किया है। ये पील ऑफ मास्क को बनाने के लिए बस 3 इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने लिया है एवर यूथ की नेचुरल्स एडवांस्ड गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क। 15 मिनट के लिए बस आपको अपने फेस पर लगानी होती है एंड फिर आप इसको पील ऑफ करके उतार सकते हो। इसमें 24 कैरेट गोल्ड पार्टिकल्स भी है, आप देख सकते हो ये वाला जो मास्क बनाया है उसमें हल्का हल्का आपको गोल्ड पार्टिकल्स नजर आ रहा होगा। एंड बस 10 रुपए की ये इंस्टेंट कॉफी चाहिए और एक पील ऑफ मास्क। आप पील ऑफ मास्क कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हो। आज मैंने एवर यूथ की यूज की है। एवर यूथ का जो पील ऑफ मास्क होता है या फिर एवर यूथ की फेस वॉश स्क्रब बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, तो मेरे को बहुत पसंद आती है। एंड थर्ड इंग्रेडिएंट है हमारा टमाटर। आपके घर में कोई भी टमाटर आता हो, चाहे वो लाल हो या ऑरेंज हो, उसमें एक तरह की एसिड पाई जाती है जो कि आपकी टैनिंग को दूर करती है। टोमेटोज को आपने देखा होगा, जब हमें सन टैन हो जाती है तो हम टोमेटोज को बस इस तरह से अपने फेस पर रगड़ते हैं। तो बस 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। टमाटर का तो मैंने यूज कर लिया है, सो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, टमाटर का आपने निकालना है जूस। ये मैंने निकाल के रखा है जूस, टमाटर का जूस। टमाटर को फेंकना नहीं है, टमाटर जो बच जाएगी वो आप खा लेना। सो लेट गेट स्टार्टेड। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब। आगे बढ़ने से पहले जो भी नए हैं इस चैनल पर, अगर आपको मैं कहीं से भी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हूँ, मेरे कॉन्टेंट आपको अच्छे लग रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन को भी जरूर से ऑन कर देना। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, मैं अपने किचन में आ गई हूँ। मैं ये फेस पील ऑफ मास्क बताऊंगी आपको, एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स पे दिखा दूंगी। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया 10 रुपए की बस नेस्कैफे क्लासिक कॉफ़ी इंस्टेंट पाउडर आती है। आप ये कोई भी स्टोर से ले सकते हैं। एंड आप देख लो पीछे यहाँ पर मेंशन है, बिल्कुल इंस्टेंट कॉफ़ी जो हम घर पर बनाते हैं, जो किचन वगैरह में पड़ी होती है। तो ये पाउच मैंने ऑर्डर करी थी। ऑर्डर करी थी क्या मतलब, ऑर्डर करी थी अपनी मम्मी को कि लेके आना आप, वो लाकर देके कर गई हैं। एंड कॉफ़ी आपको पता है ये आपकी एंटी एजिंग को भी अच्छा रखता है, जैसे कि जिनको एजिंग की प्रॉब्लम आने लगती है, सन टैन की वजह से जो काले काले निशान आ जाते हैं फेस पर, रेडनेस आ जाती है, ये उसको भी हील करेगा। एंड आपको चाहिए होगी एक एवर यूथ की कोई भी मास्क ले लो। यहाँ पर मैंने गोल्डन पील ऑफ मास्क लिया है। ये वैसे तो बहुत ही अच्छा वर्क करता है, अगर आप कोई और लेना चाहते हो आप ले सकते हो, कोई ऐसा मना नहीं है। एंड एक टोमेटो चाहिए आपको। टोमेटो ऑरेंज हो चलेगी, रेड हो तो भी चलेगी, छोटी हो चलेगी, बड़ी हो तो भी चलेगी, ठीक है? ओके, जोक्स अपार्ट, 3 इंग्रेडिएंट्स से हम यहाँ पर बना रहे हैं पील ऑफ मास्क। एंड जो पील ऑफ मास्क बनेगी ना, उसको बहुत ध्यान से बनाना है, ठीक है? ध्यान से बनाना भी है और ध्यान से लगाना है, क्योंकि अगर वो आपके आईब्रोज पे चिपका, अगर पील ऑफ मास्क गलती से भी आईब्रो पे आपने लगा दिया, तो आपके आईब्रोज भी मतलब पील हो जाएगी। तो बहुत इसको आप ध्यान से लगाएंगे फेस पे, ठीक है? मैंने टोमेटो में एक होल किया, आपने देखा, उसी होल के कारण ये देखो इसके सीड्स भी बाहर आ रहे हैं। आप चाहो तो सीड्स को फेंक सकते हो और सिर्फ इसका जूस एक्सट्रैक्ट करके अपने पील ऑफ मास्क को तैयार कर सकते हो। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टोमेटो का जूस निकाल लिया है। एंड आपको पता है टोमेटो आपके फेस को एक कूलिंग इफेक्ट भी देता है। एंड टोमेटोज़ में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि आपको यंग रखने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। गर्मियों में तो हम ऐसे भी टोमेटोज़ को अपने फेस पर रब करते ही हैं,
फिर हमें चाहिए होगी एक इंस्टेंट कॉफ़ी, उसमें हम कॉफ़ी डालेंगे 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है और कम भी नहीं डालना है, एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो कंसिस्टेंसी होती है पील ऑफ मास्क की, उसको बरकरार रखना है। ये नहीं कि आपने फेस मास्क की कंसिस्टेंसी का बना दिया या फिर सीरम की कंसिस्टेंसी का बना दिया, नहीं, प्रॉपर बस 1 चम्मच मैंने यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर डाली है। नेस्कैफे की कॉफ़ी बहुत टेस्टी होती है पीने में भी, एंड ये 100% रियल कॉफ़ी बीन्स की कॉफ़ी पाउडर होती है। एंड चलो अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना पील ऑफ मास्क। पील ऑफ मास्क कितना ऐड किया है? बस 1 चम्मच गाइस। एंड इसको एक बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स करना है, गिव इट अ गुड मिक्स, वेरी गुड मिक्स। इतना अच्छा से मिक्स करना है कि ये जो पील ऑफ मास्क है वो कॉफ़ी पाउडर के साथ और टोमेटो जूस के साथ पूरा डिजॉल्व हो जाना चाहिए। एंड बहुत ही सुंदर गोल्डन गोल्डन ये पार्टिकल्स जो 24 कैरेट के लिखा हुआ था, जो इन लोगों ने मेंशन किया है, क्लेम किया है एवर यूथ वालों ने कि इसमें 24 कैरेट गोल्ड पार्टिकल्स है, तो वो सही बात है। ये देखो पूरी गोल्ड पार्टिकल्स यहाँ पर विजिबल है, गोल्डन गोल्डन लुक आ रहा है। चलो हमारी पील ऑफ मास्क तैयार हो गई है, अब हम इसको अप्लाई करके देखते। अपने फेस को मैंने अभी वॉश किया है फेस वॉश से। फेस को अच्छे से वॉश कर लेना, कोई भी फेस मास्क या फिर फेस कुछ भी आप लगाते हो ना अपने फेस पर, क्रीम वगैरह, हमेशा फेस को वॉश करो अच्छे से तब लगाया करो। एंड ये देखो इसमें गोल्ड पार्टिकल्स हैं। इंस्टेंटली ये आपके फेस को एक तो मॉइस्चराइज भी करती है, ये आपके फेस को ड्राई नहीं करती है। एवर यूथ की जो मैंने पील ऑफ मास्क ट्राई कर रखी है उसमें आपको कोई भी बर्निंग सेंसेशन भी नहीं होती है। आप इसको इजीली अपने फेस पर जस्ट अप्लाई कर दो, 2 मिनट के लिए अप्लाई करते रहो अच्छे से। एंड थोड़ी सी मोटी लेयर लगानी होती है ताकि अच्छे से हमारे ब्लैक हेड्स रिमूव हो, हमारी व्हाइट हेड्स रिमूव हो जाए, अच्छे से रिमूव होनी चाहिए। दैट्स व्हाई थोड़ी सी आपको सावधानी से अपने ये जो एरियाज है हेयर वाले उनको छोड़कर ही लगानी है, ठीक है। क्लोथ्स ऐसा पहनना ढीला ढाला एंड जिसको आप धो दोगे। मैंने कल से ही ड्रेस वेयर कर रखी है, अभी मैं जस्ट नहाने घुसूंगी। ये मॉर्निंग का 9 बज रहा है, अभी 9 बज रहा है, तो मैं जब वॉश मैं शॉवर लेने के लिए जाऊंगी तो मैं इसको पील ऑफ करके ही जाऊंगी, ठीक है। पील ऑफ मास्क लगाने के बाद जरूर से अपने स्किन को मॉइस्चराइज किया करो, कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर ले लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी नमी जो होती है ना ये स्किन की, वो खींच लेती है, ठीक है। एंड पील ऑफ मास्क लगाने के बाद आपके पोर्स की जो प्रॉब्लम है जो ज्यादा विजिबल हो जाती है, हमारे पोर्स खुले होते हैं, उसको भी बंद करती है, आपके स्किन को इवन करती है एंड ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को रिमूव करती है। फॉरहेड को मत भूलना, अच्छे से एक इवन सी लेयर लगानी है। एंड आईब्रो को छोड़ते हुए बस मैं ऐसे ऊपर से लगा रही, ठीक है। अगर कॉफी लगाने से हल्की सी बर्निंग सेंसेशन होती है तो कोई बात नहीं, वो आपके फेस को ना डिटैन कर रही होती है, उस समय कॉफी ब्राइटन अप कर रही होती, वर्क कर रही होती अपना, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा आप अगर बर्निंग सेंसेशन फील करते हो तो चिंता नहीं करना है, वो नॉर्मल है, ठीक है। चलो मैंने पील ऑफ मास्क लगा लिया है, अब मैं इसको 30 मिनट्स के लिए या फिर 20 मिनट्स के लिए भी आप रख सकते हो, टाइम स्टैम्प्स आपके हिसाब से होंगे। एंड फिर उसको आपको नीचे से पील ऑफ करना है, ऊपर से नहीं, नीचे से करोगे तो जितने भी आपके फेशियल हेयर है वो भी रिमूव हो जाते हैं एंड काफी अच्छा ग्लो आ जाता है आपके फेस पर। ये जो पील ऑफ मास्क है आप दिवाली वगैरह पर यूज कर सकते हो, दुर्गा पूजा में यूज कर सकते हो, फेस्टिव ओकेशंस के लिए तो बड़ा सही वाला है पील ऑफ मास्क। वैसे भी ऐसे भी यूज करोगे तो सही है, लेकिन कॉफी जिनको सूट करता है उनको जरूर से कॉफी इंक्लूड करनी चाहिए। तो 10 रुपए की नेस्कैफे से हमने एक पील ऑफ मास्क बनाया है, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ मैं आपको 20 मिनट के बाद, फिर हम इसको पील ऑफ करेंगे एंड देन ये कॉफ़ी पील ऑफ मास्क को मैंने अपने फेस पर ओनली 20 मिनट के लिए रखा है। 20 मिनट्स के लिए मैंने इसको अच्छे से फ़ैन के नीचे सुखाया है, क्योंकि ये थोड़ी सी आपको पता होगा मैंने जो जूस ऐड कर दी और कॉफ़ी पाउडर जो ऐड किया, ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हैवी हो गया है, तो हैवी होने पर ना पील ऑफ मास्क जल्दी सूखती नहीं है। तो फ़ैन वगैरह अगर आपके पास है, एसी है या फिर कूलर है, तो आप वहाँ पर फेस को थोड़ा सा आप अपने सामने रखोगे एंड फिर बहुत ही अच्छे से जब सूख जाए 20 मिनट के बाद, इसको आपको नीचे से
गले से मैंने नीचे से स्टार्ट किया था इसको पील ऑफ करना एंड फिर मैं ऊपर फॉरहेड तक गई थी। थोड़ा सा एक बात का मैं आपको सच सच बताऊँ, मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि ऐसे अगर आप कोई पील ऑफ मास्क लगाओगे तो इतना आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जो कॉफ़ी ऐड कर दी है वो थोड़ी सी टाइट कर देती है हमारे स्किन के पोर्स को, मतलब स्किन को मतलब टाइट कर देती है। एंड कॉफ़ी एक तो एंटी एजिंग है, जिनको भी फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम है ना उनको बहुत अच्छे से सूट करेगी, फाइन लाइन्स को भी हील करने में ये बहुत यूज़फुल करेगी, आपको यूज़फुल है, फाइन लाइन्स को हील करेगी, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ है एंड बहुत ही अच्छी होती है कॉफ़ी आपके स्किन के लिए। एम कैफिन के भी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, मगर मैं यहाँ पर अपना खुद का बना रही थी, एक DIY क्रिएट किया था एंड बस उसको आपको उछाड़ना है। देखो मैंने अच्छे से अप्लाई किया था ताकि मेरे जो आईब्रो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मैंने अच्छे से उसको लगाया था ताकि ये अच्छे से निकल जाए। आईब्रो वगैरह को छोड़कर लगाना, इंस्टेंटली मेरा फेस ग्लो करने लगा एंड बहुत अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है एंड बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप हो गया। आई होप ये वीडियो यूज़फुल रही होगी, ये पीड ऑफ मास्क को ज़रूर ट्राई करना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक देते जाना।